दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं जहांगीर, मेरे साथ हैं जहांजेब, हमजा और आलमगीर। जहांजेब कहीं पे भी नहीं है, सॉरी, हमजा और आलमगीर। तो आप देख रहे हैं हमारा चैनल। तो कैसे हैं आप सब? ठीक है, आप सबको सलाम। तो गाइज, एक और बड़ी खबर जो कि इस वक्त आ चुकी है, और ये खबर ये है कि बड़ी सोचनाक खबर, जो लॉकडाउन है इंडिया में, शायद वो 30 अप्रैल तक एक्सटेंड हो रहा है। और मेरे ख्याल में यहाँ भी ऐसे ही होगा, हमारे यहाँ भी तकरीबन आज या कल में ये रिपोर्ट आ जाएगी। मेरे ख्याल से 14 को ही आएगी, क्योंकि अगला जो डेडलाइन है एक दो दिन में आ जाएगी रिपोर्ट। हमारे यहाँ भी 30 अप्रैल तक एक्सटेंड किया जा रहा है, और यहाँ पे भी आपके पास भी 30 अप्रैल तक एक्सटेंड करने की। और मुझे ऐसा लग रहा है, और ये मेरे ख्याल में आपके लिए और हमारे लिए, हम सबके लिए बेहतर है। और इस टाइम मुझे अफसोसनाक जो खबर लगती है वो ये है कि मुझे बाहर जाऊँ तो ऐसा लगता ही नहीं है कि लॉकडाउन है। मैं अगर आपको अभी बताऊं तो मैं आज गया था, भाटी गेट तक गया था मैं, ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना था एक गाड़ी का, ठीक है, ठीक करने के लिए। आपको क्या तो मैं वहाँ गया था, तो रास्ते में जितनी भी बड़ी मार्केट थी सब की सब बंद थी। मार्केट तो बंद थी, ठीक है, और मेन शाहराएं जो थी, मेन रोड जो थे हाईवेज, उनको भी जो है ना बैरिक लगा कर बंद किया गया था। एक साइड बंद थी, तो दूसरी साइड से थोड़ा बहुत जो छोटी ट्रैफिक थी वो बाइक्स वगैरह इधर उधर के साइड से निकल के जा रही थी, कारें भी जा रही थी, लेकिन मेन रोड जो है ना वो बंद किए हुए थे। तो इसी तरह, लेकिन आवाम बहुत ज़्यादा थी बाइक्स के ऊपर, और भाटी चौक भी काफ़ी लोग थे, होटल वगैरह बड़े बड़े बंद थे। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आई थिंक 95% बंद कह सकते हैं कि पुरसकून था। मेन रोड्स की बात कर रहा हूँ, 5% कुछ लोग थे जो बाहर, क्योंकि जो ट्रैफिक चल रही है 5% मैं कहूँगा 20% नहीं मैं 5-10% कहूँगा ट्रैफिक चल रही है, लेकिन ओवरऑल कंडीशन ठीक है, ठीक है, ओवरऑल कंडीशन ठीक है। और इसी तरह जो है ना, जब मैं अंदरून भाटी गेट गया, ठीक है, हकीमा वाला बाजार में गया, तो वहाँ जब मैं गया हूँ तो वहाँ पे जो है ना, मैंने देखा कि काफ़ी रश था अंदर, लोग बड़े खुलेआम। मैं, मेरा एक दिल में आया कि मैं एक वीडियो बनाऊं, ठीक है, ये भाई देखो लोग कैसे फिर रहे हैं, कोई दूध वाली दुकान पे खड़ा है, कोई इजी लोड वाली दुकान पे खड़ा है, इनफैक्ट मोबाइल वाला भी खुला हुआ था, स्टेशनरी वाला भी बैठा हुआ था, ठीक है, सारे बैठे थे, फ्रूट वाले तो चलो बैठना ही है, सब्जी वाले बैठे हुए, करियाने वाले बैठे हुए, उधर तकरीबन मेरे हिसाब से कोई 50% दुकानें खुली हुई थी, ठीक है, बर्गर वाला भी बैठा हुआ था, गाली में। तो क्या करे गरीब आदमी यार। हाँ, वो बात ठीक है, कितनी देर तक अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ, चलते हैं वीडियो देखते हैं फिर लॉकडाउन कितने दिन के लिए जो है ना एक्सटेंड किया जा रहा है, लागू हो रहा है। Straight across with the Prime Minister has gone ahead and hinted at an extension during the all-party meeting that has just concluded. Polini Saha is getting us the inside details and keeping a track of all that is going on in this meeting. And Polini breaking the story that the Prime Minister has hinted at an extension of the lockdown, said it's a long-drawn fight. He will speak to the Chief Ministers. The second meeting of Chief Ministers with Prime Minister through video conference is taking place on the 11th of April. We'll wait for that meeting as well. But Polini Saha, breaking the story now, joining us. Polini, you're getting us some inside scoop from the meeting that has just wound up. The Prime Minister has now hinted that the lockdown may just get extended. That is big news coming in this afternoon. That's right. You know, Chaiti, that meeting of all parties with the Prime Minister, floor leaders of most opposition political parties has just ended. And those who've managed to, we've managed to speak to are telling us that the Prime Minister has already hinted at an extension of the lockdown. Remember, this is what we broke yesterday as well, that the centre has been thinking in this direction, given that a lot of state chief ministers and experts have been suggesting that the lockdown needs to be extended beyond April 14th. When it ends, it needs to be extended. Prime Minister Narendra Modi has already hinted at an extension of this lockdown in the meeting today with all the floor leaders. He will, of course, be speaking to state chief ministers again via video conference on the 11th of April, when, of course, the centre finally finalises what exactly will be their strategy going forward. He said to the floor leaders that this is a long-drawn battle. He has, of course,
you know, thank them for their support in the way that they've come forward in ensuring that the lockdown is implemented by and large on the ground as well. But he has, of course, said that, you know, COVID-19 has united the nations, but this is united the nation, but this is a long drawn fight. So he has hinted at an extension already. But like I said, a formal call of sorts will be taken only after that video conference meeting with state chief ministers again with the prime minister on the 11th of April, Chetty. All right, so formal call has still not been taken, but the meeting has just gotten over. Pallami is getting us the inside details. The Prime Minister has hinted at an extension of this particular lockdown on 11th of April. The Prime Minister is going to be holding a crucial meeting via video conferencing, and the formal order is expected at that point of time. He is going to be speaking to the chief ministers of various states regarding extension of this lockdown. The Prime Minister just ended up chairing an all-party meeting. A lot of stakeholders present at this meeting as well. There were opposition party leaders as well. The Prime Minister is now mulling an extension. He's in fact gone ahead and hinted at an extension as well. And that's the big story. Pallami is breaking this afternoon on India Today. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope और ये मेरे ख्याल में हिंट नहीं, ये परमानेंट बात है. और ये तकरीबन 30 अप्रैल कंफर्म बात है, कंफर्म बात है. और बढ़ेगी तो यार बेहतरी है. बेहतर तो है लेकिन नुकसान भी तो है ना. नुकसान तो फिर दुनिया पूरी का होना है, हिंदुस्तान का भी होगा. अगर लोग नहीं करेंगे, उसका पालन नहीं करेंगे तो ज्यादा नुकसान होगा. क्या ख्याल है? तो उससे बेहतर है ना कि बंदा अपने आप को सेफ रखे. ठीक है, मैं जा रहा हूँ, पूरा कवर होके जाता हूँ, ग्लव्स पहन के, हेलमेट पहन के, मास्क पहन के, खुद को पूरा सेफ करके फिर बाहर. मैं एक दफा बाहर निकला था सुबह दूध देने, बस मैं मजबूरी है भाई, काम करना पड़ता है. गाड़ी वगैरह कोई आ जाती है तो उसको बुला लेता हूँ, पास ही आ जाओ भाई, दुकान पे तो जा नहीं सकते तो घर के पास ही आ जाओ, वहीं पे गाड़ी चेक कर लेता हूँ. ठीक है, तो करके फारग करते हैं. चलो आजकल वैसे आखिरी 3-4 दिन में ज्यादा गाड़ियां आने लग पड़ी हैं. हाँ, ये 3-4 दिन में बाहर निकल रहे हैं, गाड़ियां भी आ रही हैं, इसका मतलब यही है कि सारे बाहर निकल रहे हैं लोग. उससे पहले 15 दिन तक तो कुछ भी नहीं था, लेकिन आखिरी 3-4 दिन में जो है ना, लोगों ने काम निकालना शुरू कर दिया है और लोग काम निकाल रहे हैं. इनफैक्ट हमारा जो गांव है भावलपुर में, वहां पे तो लोगों ने वर्कशॉप भी खोली है. वहां पे तो जनाब जी मामू ने अफजल ने भी खोली, अमजद ने भी खोली, सरदार ने भी खोली, राजी ने खोली, सबने खोली. तो उनके पास नोटिफिकेशन भी, इनफैक्ट एक नोटिफिकेशन तो मेरे पास भी पड़ा हुआ है जिसमें ऑटो वर्कशॉप के लिए कहा गया, लेकिन वो कह रहे हैं हाईवे के ऊपर. अब हाईवे के ऊपर जो होगी तो उनके लिए लोग हमें खोल के बैठे हुए हैं. मैंने पर पूरा उसके उसको पढ़ा है ना, तो मुझे पता लगे कि हाईवे के ऊपर जितने भी हैं उनको जरूरी है, क्योंकि वो ट्रक्स वगैरह के लिए जो है ना जरूरी है. इधर यहाँ पे अपने शहर के अंदर बैठे 10,000 का फाइन होता है. सो गाइस, ये था आज की न्यूज़ कि 30 अप्रैल तक एक्सटेंड होने की इम्कानात हैं. सो कीप वॉचिंग पाकिस्तान.